1976 जो वाकया हुआ है एलबी स्टेडियम, जहां पर दो ग्रुप के बीच में झगड़ा हुआ और आप पर इल्जाम है कि आपने आलमगीर यूसुफ और दीगर लोगों पर जानलेवा हमला किया, अच्छी बात पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बता चाह रहा हूँ, मैं तेलंगाना का प्रेसिडेंट हूँ, मैं साउथ का चेयरमैन, इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं जहाँ भी कुश्ती होते तेलंगाना में, मैं ऐसे में एज ए वी आई पी प्रेसिडेंट जाता हूँ मैं वहाँ पे। मैं स्टेट पे बैठा हुआ था मैं वहाँ पे, वहाँ जाने के बाद पगड़े वगैरह बने मेरे को, बैठा हुआ मैं कुश्ती, तो मैं ओके मेरा नवासा है उसकी कुश्ती देखने के लिए आता, अल्लाह की गवाह अल्लाह हाजिर नाजिर है, मैं वो देख के चलने को था। ये सालम जो इसका नाम दे रहे हैं बाहर ब्याज खोड़ है अम्मा नगर में, कहीं पूछो ब्याज को नहीं है तो मोमिन कज़ाब झूठा होता। तो इन्हें आते हुए मैं ऐसा पाँव लंबा क्यों है, तो मैं स्टेट पर बैठा हूँ, मैं खुद समझा नहीं इन पाँव लंबा क्यों, अरे बोला जा रहे जा जा पागे जहाँ से जा, तो मेरे को अरे तुरे बोल दिया हूँ। तो जब भी गौलियाँ बैठे थे गोली बिरादरी, अरे अरे गुरु को बोला इसको खुदा की मार पड़ती, खुदा की मार पड़ती बोली दिए। उतने में मेरा छोटा बच्चा हमद था, वो बच्चे से बहस करे, उन भी गला पकड़ा, बच्चा भी गला पकड़ा इसका। बाद में नीचे मेरे हज़ारों चांद वाले बच्चे, हज़ारों शागिर्दा हैं, ये लोगों से बहस हुई। तो वहाँ मैं हाँ मैं स्टेट पे बैठा हूँ, अल्लाह हाजिर नाजिर झूठा को कुफ लाउमती अल्लाह बगैर कलमे के मारे, मैं स्टेट पे बैठा हूँ वहाँ झगड़ा हो रहा, तो मेरे वो नासिर खुलाकी नहीं तो बोलेंगे भाई कज़ाब है असलम पलवान, और राम यादव जो कुश्तियाँ चला रहा था बच्चा जो मोदी कसली, तो फिर भाई दीछे चलो आप चलो मेरे साथ चलो, अरे मैं क्या हूँ भाई, झगड़ा खत्म होने को मेरे को लेके दीछे गए, मैं कोई लड़ाने में समझाया मैं भी ख़त्म हो गया। बाद में पुलिस में मेरे बच्चों को मारे, महमूद एडवोकेट है मेरा बच्चा, सुलेमान एडवोकेट है मेरा बच्चा, एक अहमद BLL भी है मेरा बच्चा, उनको चाकुओं से मारे। तो ये लोग PS में गए सैफाबाद, सैफाबाद जाने के बाद उनको क्या कह रहे सैफाबाद पुलिस गांधी अस्पताल लिख दी, गांधी अस्पताल लिख दी, वहाँ से मुझे मालूम हुआ साउथ जोन टास्क फोर्स बच्चों को गांधी अस्पताल से यहाँ ला के पुराने बंद रखे 24 घंटे, फिर बच्चों को 8 बजे छोड़े थे सैफाबाद से छोड़ दिए, जबकि केस सैफाबाद झगड़ा सैफाबाद में हुआ, यहाँ आके बच्चों को करके बंद करवा ले मेरे। तो उन्होंने भी कंप्लेंट दिए, हमारे बच्चे भी कंप्लेंट दिए, वास्ता नहीं, तो उनको क्या हुआ अरे वहाँ ये बच्चे बच्चे हमको मारे, पब्लिक मारे उनको, देखो उसमें देखा मैं सब उसमें क्या भाई कुर्सियाँ मारे। और एक बात वहाँ क्या हुआ कौन करे पाँव बताया झगड़ा, कैमरे वहाँ भी हैं बताते हैं। फिर वो राम यादव हमको बोला ACP साहब सैफाबाद स्टेट में लिए, तो उन्होंने बोला जफर में तो ऊपर ही बैठे थे, उन्हें ऊपर आया सालम गड़बड़ी उन्हें कराया उसके बच्चे करे और भाग गया। कैसा भाई यार सगे भाई को लोग पब्लिक मारी छोड़ के भाग गया, मैं पूछा तेरा भाई कहाँ, तो उन्होंने भाग गए छोड़ के हमको, बेटे को पूछा कहाँ छोड़ के भाग गए, वहाँ क्या बना पुलिस लाने गया, अरे मेरे भाई को मारे तो मर जाऊँगा ना हड़ताल वहाँ जगह से, मैं भाग गया उन, तो उनको क्या बेइज्जती हुई बच्चों से। उसके बाद यहाँ मेरा बच्चा मोहम्मद जाबरी बैठा था, छोटा मोहम्मद सिखाया अपने दामाद को, सालम अपना भतीजा मुजम्मिल मुस्तफ़ा बिन अली सिखा के बोला मारो इसको बच्चे को, औरतों को मिर्ची के पाउडर। 5 बजे बच्चे नमाज पढ़ रहे थे, जुमेरात जुमेरात को ये वाकया हुआ, उनको क्या हुआ वहाँ लोग मारे, तो अरे मारे बच्चे बच्चे मारे बदला लो, तो वो बच्चे नमाज पढ़ रहे थे, मोहम्मद अकेला बैठा हुआ था, तो छोटा मोहम्मद कह सिखा के जाओ मैं आ रहा हूँ पीछे, मारने आ गया, आके उसको पकड़ लिया हमारे बेटे को। उस मूवी में है देखो आप लोग, अच्छा देखो मिलेगा, यहाँ पहले मेरे गेट करने आया वहाँ रखा गाड़ी, फिर वहाँ से जाके पकड़ लिया, पकड़ कर दामाद को मेरे बच्चा हमद है छोटा उसको मार के लौटते में वो अंजुम और जो सो दूर बोलने इसकी समझा ने किसकी छोटे मोहम्मद की, यहाँ रहता शादी खाना है ना मेरा भतीजा है सगा, मगर एहसान फरामश इसका भतीजा नहीं होता, उन अपने आप को क्या समझ रहा बेचारा समझ में नहीं आया मेरा, अरे तेरे को दिखती दुनिया में बताया तेरा काला कोट मैं पहनाया रे, नहीं तो मैं कज़ाब, मैं कज़ाब तेरी शादी खाने के स्टार्ट को पैसे मैं दिया, ऐसे स्टार्ट को मैं दिया, नहीं तो मैं कज़ाब, नहीं तो कुरान लेकर तू बोल दे मैं झूठ हूँ, मैं खूब बोले तू अल्लाह कसम का, तो क्या हुआ पैसे देंगे, हाँ जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन मेरे पैसे दे देगा था बड़ा था रे खून। तो उन क्या कर दादा वो मामले को लंबा लग जाना मुझे
झगड़ा कर डाला। क्या शादी खाने के लिए मेरी लैंड थी, मेरे बच्चे हमद की चूड़ापल्ली पे बेच के पैसे दिए इसको, तो वो पैसे 1,70,00,000 देना था इन, वो 12 तारीख का टाइम था। उन बोला पैसे क्यों लंबा गए, किसके बाप का माल है बेटे, यहाँ भी देना वहाँ भी देना पड़ता, तो वो पैसों के वास्ते क्या करा इन्हें, एक तो बच्चों को मारो, दो करे मारे पैसों 12 के आगे चल गई डेट। वो घर पे जब अटैक हुआ था तो टोटल घर में कितने लोग थे, 3-3 लोगों पर अटैक हुआ। मेरे घर पे 3 बच्चे थे, मोहम्मद बिन हमजा डिग्री फाइनल ईयर है, अब्दुल्ला बिन हमजा जाबरी डिग्री फाइनल ईयर है, हमद बिन हमजा जाबरी सेकेंड ईयर इंडिया सेकेंड ईयर है। ये 3 ही बच्चे थे बेचारे, लेडीज थे। उनके बाद मोहम्मद उसके भाया थे, भाया कोई कुछ न करे उसकी हिम्मत पे बुलाया नहीं, वो नहीं आते बेचारे अच्छे बच्चे, उनको हिम्मत पे बुलाया था आपने, बताता लोगों को देखो मेरा गुरु बिता है। अरे बेखूब जंगल में भेड़िए बेसाब शेर एक ही रहता है, शेर तेदाद अलग रहती, बहादुर खालिद बिन वली देखो हाँ 3 बेवा भी देखते गए बच्चों को, बताया मैं आपको। हाँ मोहम्मद बिन हमजा, अब्दुल्ला बिन हमजा, हमद बिन हमजा अल जाबरी, बच्चे बच्चे की उम्र 22 साल, हाँ एक की उम्र 22 साल है। कंप्लेंट जो सो 7 पे भी, आज एक स्टेटमेंट था मोहम्मद हमजा दे दिया था, तो आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि छोटा मोहम्मद में को खड़े के मार खिलाया, मारो माखीड़े को, मारो छीनाल के बेटे को, जबकि इसकी चच्चियाँ हैं सगे गाली दे रहा छीनाल बोल के बोला चच्चियों को, जबकि सामने पैदा हुआ, जब इन पैदा हुआ था अल्लाह हाजिर है मेरे बड़े भाई मेरे को दे इसको अच्छा परमान बनाना, तो बेफिक्र है भाई अच्छा परमान बनाया मैं, एडुकेट बनाया मैं, पैसे की सपोर्ट कर अल्लाह हाजिर नाजिर है। ऐसा अनफराम अल्लाह के नबी क्या बने, अल्लाह के रसूल हजरत अली कल मस्जिद बने, जिस पर एहसान किया उसके बाद से बचो, वो आज आ गया आखिर ज़माने में। या कुरान ले नहीं देना है, नहीं पैमान करा तेरे वकील नहीं बनाया तो मैं कज़्ज़ाब हूँ, मैं कज़्ज़ाब। 5 साल डिग्री कराते शुएब करा रहे, फिर एक बहन लंदन में मोना BS LLB उसको भी करा रहे, मैं उसका सिला है रही है। ये गेट को तो सलाम करते जाना, तू यहाँ था अगर सही भी अगर दूध पीती पिया तू तो मैं रहस बहुत घर का जाना तू, और दूसरे बच्चों की जिंदगी खराब करने बुलाता, छी 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 छी, देख तू पैदा नहीं वहाँ कहीं, देख पूछ दंगलों में मैं अकेले था पूछ तू, ये भी तो झूठा हूँ मैं, अकेले था दंगलों में, बता ना। ने आप पर कई सारे इल्जाम लगाए हैं, इसमें से एक सुरखोरी वगैरह का भी है, पूरा क्या है क्या सिर्फ का दूसरे का। एक बात सुनो आप, अगर मैं सूर चलाता हूँ तो बगैर कलमे के मरे अल्लाह मारे मरे, अगर ये कुत्ते सूर चलाते हैं ये कुत्तों को जरीर करते मारेगा, और मैं देखूंगा, क्योंकि इनको 2 बजे बदवा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ अरे बोले ना रोज बदवा दे रहा हूँ, और उस कुत्ते को भी दे रहा हूँ बदवा, अल्लाह में सामने जलील कर जल्दी उसको जलील कर जलील कर। अगर मैं उनके साथ दाएं सा भी करा पहलवानी में मदद में तो मेरे को जलील कर अल्लाह, देखो मेरे हाथ उठे हुए मैं तो अल्लाह उनको जलील हो गए फुकरे आदमी, हाँ अरे किससे करे तुम, तुम्हारा ऐसा मोहसिन पढ़ा लिखा पहलवानी करा माल में मदद करा उस पर आप अमान दगा में जाओ आप खामोश, कितना जुल्म है मालूम कुत्तों का। उनके बाद मकबरा बैठे थे पूरे मकबरा बैठे थे 3-4 मकबरे तो हमेशा रहते उनके बाद, सॉरी 1-2 जुमले बोल रहा हूँ। ममानगर में हर 3 दिन में घर बदल के जुबा चलाते लोग, हर 3 दिन में घर बन के बदलते जुबा चलाते सलाम मालूम करो, बच्चा बच्चा खुश है। आज ये बोले लोग अच्छा हुआ जफर बैग की तरफ से उनके अदब पढ़ते थे, आज जफर बैग से अलग हो गए, अभी कुत्तों को खड़ो हुए दादागिरी ये भी बोल रहे हैं मुगल पुरी में आओ ना जी भाई तुम करना जाओ ना वहाँ सिरल में जाओ ना जी, अरे क्या अरे यहाँ का है तुम लोग बताते वो मकबर रहते 2-3 नाकों के पीछे उनको सपोर्ट करते। पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रही, पुलिस कानून बदल गया सही जा रही, इस बात में तो खामोश है। जो ऑफिसर हम पुलिस में थे 14 साल एहतराम करते हम, जो हमसे अच्छी बात करता उसका जूता वो तो पहनाएंगे, जो यूं है कोई भी हम नहीं मानते दुनिया में, जो ऑफिसर अच्छा है हम पालिश के जूता पिला दें उसका, क्योंकि दफ्तर समझता खुदा की कसम दुनिया में दबने वाले नहीं, मौत एक दिन है ना मौत एक दिन,
हलाल खाओ, खौफ अल्लाह का। मैं यही कहना चाहूंगा, इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चों पर जुल्म हुआ ये, और पुलिस को भी मैं बोल रहा हूँ, जो ब्याह चला रहा उस कुत्ते को बजाओ। और मैं कसम खा के बोलता हूँ, एक कसम झूठा का था, मैं कसम इसलिए खा रहा हूँ, सच को शक की निगाह से देख रहे हैं, सच को शक की नहीं, वो झूठ पे खिंद कर रही है। तो अल्लाह ये कसम, ये जिसके नाम लिया कुत्तों का, ये कुत्ते ब्याज दबाए खा रहे हैं, ऐसा नहीं खा रहे। एक बात ये नोट करो, मैं बोल रहा हूँ, इनके कारोबार क्या है पूछो आप। ये छोटा बुलता सुन रहे होंगे लोग, मेरे पास 25 भैंस थे, मैं खुद बैठ कर दूध बेचता था, 73, 74, 75, मैं आंध्र में चैंपियन था, उसके बाद दूध बेचता था बैठ के, दूध मेरी जू के होटल 40 साल पहले, 42 साल पहले बल्दिया तोड़ दी थी मेरी होटल, जब से मेरी होटल है। एक कट्टे पे फड़ा होटल थी मेरी, एक अहबाब होटल थी जफर रोड पे मेरी, ऐसा जिया। मैं इस बात खौफी नहीं खाता, मैं जो हराम खाता मैं बुजदिल होता, हराम खाने वाला बिचक से रहता। अल्लाह हाँ, मैं अच्छा पहलवान था, उस पर पुलिस में लिया गया मेरे को, पुलिस में 14 बार स्टेट चैंपियन, पुलिस में मैं 6 साल बाद साउथ कोस्ट साउथ चैंपियन था, और कई मेरे शागिर्दा स्टेट चैंपियन है, नेशनल लगे अभी भी जाते हुए शागिर्दा। एक बात सुनो, ये मेरा कम उम्र का साथी है, अल्लाह ये कसम, मैं जो बोल रहा हूँ झूठ बोलते नहीं बोला जाए, देखिए अमीन आदमी झूठ बोल रहा है। अच्छा, जहाँ भी जो ब्याह चलाता ना, पुलिस को मालूम होता, उसका ऑफिस कहता, वसूल करता पैसे। बोले आप कौन ब्याज चलाते, पुलिस खुद बोलती ये। अब अपने साथ